हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम लोग आए हुआ एक ग्लोरियस टाटा मोटर्स में, ये आपका तिनसुकिया में, एंड वी विल टॉक अबाउट टाटा सिग्ना 1923 के टीपर। एंड जितना भी आप लोग का क्वेश्चन है, वी विल आंसर यू राइट नाउ। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जो टाटा सल्ला 18 एंड टाटा आपका सल्ला 13, वो वाला जो टीपर पहले आता था, वो वाला अभी BS6 में नहीं आ रहा, ये कम्प्लीटली बंद हो गया। सो कंपनी दे हैव लॉन्च टाटा सिग्ना 1923, दिस इज द टीपर। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, तो चले गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑल इन वन एंटरटेनमेंट फैमिली, जस्ट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, सो दैट वी कैन गेट कनेक्टेड विद ईच अदर। एंड इंस्टाग्राम में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर एक्टिविटीज इंस्टाग्राम में डाल देते हैं, एंड यू विल गेट टू नो कि कल कौन सा वीडियो आने वाला है। एंड यू कैन DM अस डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो जस्ट गो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द इंजन ऑफ दिस टीपर। इस गाड़ी में आपको मिलता है क्यूमिन्स ISBE 5.6 BS6 इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 230 BHP, एंड टॉर्क आपको मिल गया इस गाड़ी में 850 Nm ऑफ टॉर्क। इस गाड़ी का ग्रोस वेट है 18,500 kg। इसका बैजिंग इधर दे के रखा है 1923 K BS6। ये 1923 क्या है आप लोगों को बता देंगे, 1910 प्लस 230 BHP ऑफ पावर, सो इसका मतलब 1923। फर्स्ट अभी हम लोग इसके आगे के बारे में बात करेंगे। एस यू कैन सी इधर आपको एक टाटा का लोगो मिल जाता है इधर, एंड इधर टाटा का बैजिंग, ये रिफ्लेक्टर है, रात को आप लोग को मालूम चलेगा। एंड दिस इज द ग्रैब हैंडल, आप इधर पकड़ के आराम से अपना विंडशील भी धो सकते हैं। एंड दिस इज द फ्रंट पार्ट, यू नो आपका जो पहले सिग्ना आपका 10 चक्का आता था, इसमें ऐसा वाला देता रहा। दिस इज द हेडलाइट, जो आपका पहले टाटा यू नो सल्ला 18 आता था, उसमें इधर ही हेडलाइट रहता था, बट इसका आपका नीचे में ये, दिस इज द मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट विद हैलोजन बल्ब, इन साइड में इंडिकेटर है। ये जो बम्पर देख के रखा है, ये स्टील का है। एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर ये गाड़ी परचेस करता है, देन इसका जो हेडलाइट का गट है जरूर बना लेना, क्योंकि अगर आप खराब रास्ते में चलाता है, देन क्या होता है कि इसका लाइट यू नो तोड़ने का बहुत ही चांस रहता है, एंड डैमेज होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है। एंड लेकिन इधर एक चीज़ अभी मेरे को मालूम चला, इसका जो हेडलाइट है ये ग्लास नहीं है, यू नो इट्स फाइबर, सो ये इतना जल्दी टूटने वाला नहीं है, ये लाइक फाइबर या प्लास्टिक आप बोल सकते हैं। इसका मटेरियल जो यूज़ करके रखा है, इट्स वेरी गुड, दैट मीन्स आपको जो पत्थर वत्थर लगने से ये टूटने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। दिस इज ऑल अबाउट द बम्पर, ये स्टील का बम्पर देख के रखा है। एंड इधर एक स्पेस देख के रखा है टू टो योर ट्रक, ये वाला बहुत ही बड़ा है, यू नो अगर ट्रक लोड होने से भी आप आराम से खींच सकते हैं। दिस इज द की ऑफ दिस टीपर, देख सकते हैं आप लोग, मेन की ये, एंड दिस आर द की फॉर यू नो एड ब्लू एंड टैंक का अलग ही की रहता है, बट ये आपका मेन की रहता है। ऊपर में भी आपको एक ग्लास देके रखा है, दिस इज़ वेरी गुड, यू नो आप ड्राइवर साइड अंदर में जाके आप लोग बाद में दिखाएंगे। इधर से क्या होता है कि आपको मालूम चल जाता है कि इधर क्या चीज़ है, ये वाला चीज़ बहुत ही कमाल के, ड्राइवर अपना सीट में बैठ के मालूम कर सकता है कि नीचे में क्या है, दिस इज़ वेरी गुड। एंड दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस टीपर, व्हील आर्चेस भी बहुत बड़ा है, फाइबर का है, एंड यू हैव द इंडिकेटर आउट हियर, दिस इज द एयर फिल्टर टीपर का, आप लोगों को मालूम है कि एयर फिल्टर साइड में रहता है। एंड इधर हाइड्रोलिक टैंक, दिस इज द फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक आपका पूरा कम्प्लीटली फाइबर या प्लास्टिक भी आप बोल सकते हैं, बहुत ही हैवी मेटल में बना के रखे हैं। फ्यूल टैंक आपको 300 लीटर्स का कैपेसिटी मिल जाता है, ये आपका एड ब्लू का टैंक, आपको इधर डालना होता है एड ब्लू। एंड दिस इज द डैक्स ऑफ दिस टीपर, इसका टीपर का जो डाला है इट्स वेरी बिग, 19 टन कैपेसिटी है पेलोड कैपेसिटी, इसका वैसे ये बोटी बड़ा करके रखा है। बट क्या होता है कि बहुत बंदा लोग क्या करते हैं, इसका जो अपर पार्ट है इसको एक्सटेंशन करके भी थोड़ा बड़ा कर लेता है, 25 टन या 30 टन का माल आराम से ले सकते हैं। दिस इज द रियर पार्ट, इसमें रियर में आपको सेंसर नहीं मिलता है, ये जो लाइट्स है आपको LED मिलता है। एंड इसका जो गट है ये वाला बहुत ही हेल्पफुल है, ये वाला चीज़ अगर आगे में देने से और भी अच्छा होना था, क्योंकि लाइट तोड़ने का चांसेस इतना नहीं रहना था। देख सकते ये बहुत ही बढ़िया से गार्ड करके रखा है, ये कंपनी से प्रोवाइड करता है। दिस इज द रिफ्लेक्टर एंड टाटा के बैजिंग आप लोग इधर देख सकते हैं। एंड ये मड गार्ड है, देख सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ गुड, इधर होल्ड करके रखा है। एंड अगर सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, इस वाला ट्रक में आपको मिलेगा सेमी इलेप्टिकल लिप स्प्रिंग, ये हेल्पर पट्टी है। एंड अगर आप हैवी लोड करते हैं, देन क्या होता है कि बहुत गाड़ी लोग क्या होते हैं कि कंपनी से जो पट्टी देता है वो वाला नहीं रखते, आप जाके और एक्सटेंशन करते हैं, दैट मीन्स आपको और पट्टी बनाना होगा अगर आप हैवी लोड लेते हैं देन। एंड अगर टायर्स के बारे में बात करेंगे, तो इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है 295x95 D20 टायर्स, इसमें आपको देख के रखा है MRF का टायर। इसका ग्रिप
अच्छे हैं, फॉर बैड रोड इज गुड। एंड डाला का जो साइड में भी आपको इंडिकेटर दे के रखे हैं विद रिफ्लेक्टर। एंड दिस इज ऑल अबाउट चेचिस, चेचिस बहुत ही बड़ा है यू नो, इधर एक्सटेंशन करके रखा है फॉर दिस डाला इधर बैठने के लिए। इसके अंदर आप लोगों को दिखाएंगे, दिस इज द ट्रांसफर केस, गियर बॉक्स सभी चीज अंदर ही मिलने वाला है। आगे का टायर साइज भी सेम ही आपको मिलने वाला है, 295/95 D20। ये वाला रिम्स यू नो इट्स वेरी गुड, हैवी ड्यूटी वाला है यार, ये इतना जल्दी टूटता नहीं है। इसका व्हील आरसी सब लोग को बता ही दिया, एंड इसमें भी आपको ये कंपनी से प्रोवाइड करके रखे हैं। इसका शॉक एब्जॉर्बर यू कैन सी इट्स वेरी बिग। अभी इसका क्या हो रहा है कि इसका आगे में लिप स्प्रिंग बहुत कम है, बट अगर आप ये गाड़ी को खरीदते हैं देन आपको फिर से लिप स्प्रिंग एक्स्ट्रा लगाना होता है, फॉर दैट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी। इस ट्रक में आपको फुल एयर ब्रेक मिलने वाला है, दैट मीन्स आपका ब्रेकिंग पावर बहुत ही अच्छा होने वाला है। पहले आपका जो टीपर आता था उसका एग्जॉस्ट साइड में आता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि सभी एग्जॉस्ट आपका कैबिन का साइड में आ रहा है, देख सकते हैं। अभी ट्रक के अंदर जाके आप लोग को दिखाएंगे, ये आपका लॉक है, वाटर होल्डर मिल जाता है, 1 लीटर बोतल आराम से इधर आप डाल सकते हैं। इसका फुट रेस्ट 3 दे के रखा है, ये ग्रैब हैंडल आप पकड़ के आराम से इधर चढ़ सकते हैं। एंड इधर ABC एक्सेलरेटर ब्रेक एंड क्लच इधर ही मिल जाते हैं। द हाइट ऑफ द ट्रक इज वेरी गुड। इसका सीट देखिए ये वाला सीटिंग बहुत ही बढ़िया है, ये एक ही जगह में नहीं लगता है, ये आपका सीट जो है बाउंस होकर रहता है। एस यू कैन सी ये जो ट्रैक्टर का देख रखा था पहले, ट्रैक्टर या JCB का सीट का जैसे स्पॉन्स रहता है, दैट मीन्स का जो कम्फर्ट होने वाला है सीट कम्फर्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है सीट कम्फर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैबिन, सल्ला अथरा का कैबिन आप लोग देखा ही था, मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था, इसका थोड़ा सिमिलैरिटी इधर है बट इतना भी सिमिलर नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके रखे हैं। दिस इज द को ड्राइवर सीट, को ड्राइवर सीट का जो कम्फर्ट है ये भी अच्छा ही है। एंड दिस इज सम स्पेस, इधर थोड़ा बहुत स्पेस दे रखे हैं सामान रखने के लिए, ग्लोव बॉक्स आपको नहीं मिलते हैं इधर, आपको AC नहीं मिलता है, बस ब्लोवर मिलता है जो आपको पहले आपका सल्ला अथरा दिखाया रहा है इसमें आपको मिलता था AC। एंड गियर बॉक्स आप देख सकते हो इस गाड़ी में आपको मिलने वाला 7-speed गियर बॉक्स, मैनुअल गियर बॉक्स, 1 reverse एंड 6 forward। इसका स्टेयरिंग इसमें आपको मिलता है हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग, चाबी आपको लगा के दिखाएंगे। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी ऑन करके दिखाएंगे। इधर आपको लेफ्ट साइड में आपको मिलता है टैकोमीटर, एंड राइट साइड में आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, एंड ये फ्यूल गेज इंडिकेटर, एंड दिस इज इंजन टेम्परेचर। एंड ये जो MID स्क्रीन है आपका 5-inch MID स्क्रीन है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखे रखा है आप लोग देख ही सकते हैं। इधर देखे रखे हैं आपका जो एयर बार है इसका स्विच देखे रखे हैं, एयर बार का कितना टैंक कितना एयर बार फुल है ये आप इधर से अंदाजा लगा सकते हैं। एंड दिस इज फॉर DEF जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, ये स्विच अगर आप लाइट में चलाते हैं देन इधर ही मिल जाते हैं, फॉर अगर गाड़ी खाली है यू नो देन आप लाइट चला सकते हैं, एंड अगर मीडियम भारी है देन आप मीडियम कर सकते हैं, देख सकते हैं इधर मीडियम का स्विच आ गया। एंड प्लस अगर आप हैवी चलाते हैं देन हैवी प्रेस करने से देख सकते हैं हैवी का आ गया ऐसे। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्विच एंड इधर इंजन चेक, एंड प्लस ये जो आपका हैजर्ड लाइट है स्विच इधर ही मिल जाता है। एंड इधर आपको 2 USB चार्जिंग सॉकेट, ये वाला चीज़ बहुत बढ़िया है, आप आराम से आपका जो फ़ोन का चार्जर है आप इधर से चार्जिंग कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड इधर नीचे में आपको 12-volt चार्जिंग सॉकेट देके रखे हैं। इसका जो स्टेयरिंग है इट्स काइंड ऑफ गुड, एंड स्टेयरिंग व्हील का लेफ्ट साइड में आपको मिलता है फॉर वेपर, इधर ही मिल जाते हैं वेपर। एंड ऑन द राइट साइड यू हैव हेडलाइट प्लस इंडिकेटर सभी चीज़ इधर ही मिल जाते हैं, एंड हेडलाइट लेवलर का स्विच भी आपको इधर ही मिल जाते हैं। केविन का यू नो केविन से कैसा व्यू आता है हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसका जो ओवरव्यू मिरर ये भी बहुत बड़ा है, आप लोग इधर देख सकते हैं ओवरव्यू मिरर 2 split में करके रखा है। इंजन वाला चीज जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले बाहर से देख सकते हैं, इधर से आप अंदाजा लगा सकते कि नीचे में क्या है, वेरी गुड। एंड दिस इज द लाइट्स केबिन लाइट, आपको केबिन लाइट LED मिल जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द केबिन, अभी आप बाहर जाके दिखाएंगे यार बहुत ही गर्म है, आई एम नॉट किडिंग इट्स वेरी हॉट। हाँ ये टिपिंग का स्विच इधर मिल जाते हैं। इसका सीटिंग आप लोगों को मैंने जो बोला था इसका सीटिंग बहुत ही बढ़िया है देख सकते हैं, यू नो इट्स काइंड ऑफ JCB वाला स्टाइल है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इसका सीटिंग वाला डिजाइन। एक चीज आप लोग को दिखाना भूल गया था, इस गाड़ी का हेडलाइट जला के आप लोग को दिखाएंगे यार, आई फॉरगॉट टू शो यू। इसका चाबी
इग्निशन लग गया। इसका जो हेडलाइट एंड इंडिकेटर अभी आप लोग को जला के दिखाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द लुक। इसका हेडलाइट आपको नीचे ही मिलता है, मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट विद हैलोजन बल्ब एंड दिस इज द इंडिकेटर एंड नीचे में आपको एक रिफ्लेक्टर मिलता है। ये हैलोजन है सो बहुत ही गर्म है यार। एंड ये आपका इंडिकेटर एंड इधर भी इसका जो पार्किंग लाइट है 1 2 3 दे के रखा है साइड में पार्किंग लाइट। एंड रिवर्स का आप लोगों को दिखाएंगे, इसका जो LED लाइट है इट्स काइंड ऑफ वेरी गुड। ये LED फिटमेंट अभी सब टाटा का ट्रक्स में, हेवी ड्यूटी ट्रक जितना भी आ रहा है सभी में यही दे रहा है। अभी ये वाला डीलर में आपका है 3 टाटा 1923 टीपर। ये स्टॉक में नहीं है, ये भी आज नहीं तो कल को जाने वाला, ये ऑलरेडी पे होके रखा है। सो ये वाला गाड़ी भी कल नहीं तो परसों को जाने वाला है। जो बंदा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, अगर आप लोग ये गाड़ी खरीदना चाहता है देन यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आप लोग को टाटा सिग्ना 1923 के BS6 का वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वी अपलोड एनी न्यू वीडियो आप वो पहले देख सकते हैं। सो गाइस सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।